धनु राशि वालों 2019 आपको 8 बड़ी खुशखबरी देने वाला है, साथ में दो प्रकार की सावधानियां भी बरतनी पड़ेगी। तो आइए जानते हैं क्या है यह बड़ी जानकारी आपके लिए। धनु राशि वालों, इस वर्ष आपके राशि स्वामी और सुख संपत्ति एवं आर्थिक समृद्धि के दृष्टा गुरु ग्रह इस वर्ष में 29 मार्च को देह भवन में, 22 अप्रैल को व्यय भवन में, 4 नवंबर को फिर से प्रथम भवन में आने वाले हैं। एवं ग्रह स्थिति के आधार पर हम आपको बताएंगे 8 बड़ी खुशखबरी के साथ दो सावधानियां। तो आइए जानते हैं। धनु राशि वालों, एक बात आप लिख कर ले लीजिए कि इस वर्ष में आप कहां से कहां तक पहुंच जाएंगे। आपके राशि स्वामी गुरु ग्रह भौतिक समृद्धि एवं आत्मविश्वास के कारक भी माने जाते हैं। इसलिए सबसे पहली खुशखबरी आपके लिए है आपका करियर और आपके खुद का व्यवसाय। 2019 के इस वर्ष में आपको करियर में आगे बढ़ने के लिए कई महत्वपूर्ण अवसर प्राप्त होने वाले हैं। इस वजह से आपका यह वर्ष सुख और आनंद पूर्वक व्यतीत होगा। इस वर्ष में आप किसी अन्य जगह पर धन निवेश कर सकते हैं, जिस वजह से अधिक लाभ होगा और आप अपने लक्ष्य जल्दी ही प्राप्त कर सकेंगे। दोस्तों, इस वर्ष में विदेश योग भी बन रहा है, यह दूसरी खुशखबरी है। आप व्यापार, नौकरी एवं ज्ञान प्राप्ति हेतु विदेश जाएंगे। सच तो यह है कि आप वहां पर जाकर सफल भी होंगे। यह आपके करियर के लिए महत्वपूर्ण समय रहने वाला है। परिजनों का भरपूर सहयोग मिलने से आप कड़ी मेहनत से सफलता प्राप्त कर सकेंगे। तीसरी खुशखबरी अकेले जिंदगी गुजारने वालों को मिल सकती है। मनपसंद साथी प्राप्त होने से आपकी जिंदगी ही बदल जाएगी। पारिवारिक रिश्ते बेहतर होंगे और जिंदगी के खट्टे मीठे अनुभव प्राप्त होने वाले हैं। दोस्तों, चौथी खुशखबरी आपको इस वर्ष में प्रमोशन के रूप में मिलने वाली है। कार्य क्षेत्र एवं प्राइवेट सेक्टर से आर्थिक लाभ होगा और आप अपने हसीन ख्वाबों को पूरा कर सकेंगे। अभी 4 अच्छी खुशखबरी सुनने से पहले 2 प्रकार की सावधानी से अवगत करा देते हैं। यह जान ले, फिर जिंदगी आपको दोबारा मौका नहीं देने वाली। बीता हुआ समय वापस नहीं आता। पहली कमजोरी है आपकी आक्रामकता, आपका क्रोध। भले ही दूसरे लोग आपके क्रोध को देख नहीं सकते, लेकिन नाराजगी के चलते आप धैर्य खो बैठते हैं, जिनके कारण आपको काफी नुकसान भी उठाना पड़ता है। दूसरी कमजोरी आपकी सोच है। दोस्तों, लक्ष्य को पहचानेंगे नहीं तो सफलता कैसे पाएंगे। एक कार्य को पूर्ण किए बिना ही दूसरा कार्य शुरू कर देते हैं, इससे आप आगे कभी नहीं आ सकते। 5वीं खुशखबरी करियर के पहले पायदान पर खड़े होने वाले लोगों के लिए। दोस्तों, इस वर्ष में अच्छी नौकरी और अच्छा व्यवसाय प्राप्त होने से आप जिंदगी की पहली जीत हासिल करेंगे, जिनकी वजह से आप अपने जीवन में आनंदित एवं उत्साहित रहने वाले हैं। भाग्य का साथ मिलने से आप राहत महसूस करेंगे। 6ठी खुशखबरी किस्मत को कोसने वालों के लिए है। गवर्नमेंट जॉब और उच्च पद प्राप्त होने वाला है। आप अपनी मेहनत और भाग्य के आधार पर इस साल कई बड़ी उपलब्धियां हासिल करने वाले हैं। 7वीं सबसे बड़ी खुशखबरी आपने कल्पना भी नहीं की होगी, जिंदगी आपको वह खुशियां दिलाने वाली है। खुद के मकान का स्वप्न पूर्ण होगा। पद प्रतिष्ठा में वृद्धि के साथ आप नया मुकाम भी हासिल करने वाले हैं। दुनिया की सैर करने की इच्छा रखने वालों के लिए 8वीं सबसे बड़ी खुशखबरी यात्रा के रूप में मिलने वाली है। आप अपने साथी एवं दोस्तों के साथ छोटी और बड़ी यात्रा पर जा सकते हैं। दोस्तों, सावधानियों को ध्यान में रखकर जीवन व्यतीत करें। आप अपनी मेहनत और भाग्य के दम पर इस साल इतिहास बनाने वाले हैं। यह थी धनु राशि 2019 की खुशखबरियां और सावधानियां।